कक्का किकीच्या सिरियल बघण्यात रममान होऊ नका, हे चालू असताना सगळं चिरून घ्या, त्याच्यानंतर चालू करा, नाहीतर कक्का किकी सिरियल जितेंद्रची मुलगी कोण आहे ती क वरनंच चालतात, त्या सिरियल बघण्यात रममान होऊ नका शिगडी चालू ठेवून। ओके, कभी भी हवा का झोंका आ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ बॉयल होके नीचे गिर सकता है उसके ऊपर। साहब मी लेक्चर मध्ये नेवर लीव द स्टोव और बर्नर अनअटेंडेड व्हेन इट इज इन ऑपरेशन। नेक्स्ट, कुकिंग मटेरियल मे ओवरफ्लो ऑन द बर्नर्स, एक्सटिंग्विश द फ्लेम एंड लीकेज ऑफ गैस विल ऑकर, अक्यूमुलेट गैस कुड गैस गेट इग्नाइटेड। तो देखो सबसे खतरनाक क्या है, गैस लीक। गैस लीक होके जल रहा है कुछ खतरनाक नहीं है, लेकिन गैस लीक हुआ और आपने फ्लेम बुझा दी, आप खतरे में है, क्योंकि जो लीक हुआ वो जल गया, कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन आपने बुझा के वो गैस पूरा रूम में फैला रहे हो, और अंदर आते समय अपने का तो टक टक करने का तो यही रहता है, स्टाइल ही मारते हैं हम लोग जैसे अंदर आते हैं, पूरा 7 बटन एक साथ टक 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 टक। अभी अपना डिटेक्टर यदि बराबर काम नहीं करेगा, क्या डिटेक्टर, ये नोज, तो प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो कभी भी घाई नहीं करना है घर में जाते समय, जाते समय पागल पागल बोल के बाहर जाना है वो क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन घर में जाते समय थोड़ा इधर उधर देखो, घाई करके कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ लीक है क्या, क्या है क्या, उसके बाद ही टक टक करो, बटन चालू करो। सो एक्यूमुलेट गैस कुड इग्नाइट। टू बर्न ऑफ द बर्नर, फर्स्ट क्लोज द सिलेंडर वॉल एंड देन द बर्नर नॉब। ऐसा क्यों, कभी आपने ऐसा किया है, कभी भी काम होने के बाद बंद करने के लिए और सेगड़ी का वॉल ये नहीं करना है, स्विच नहीं बंद करना है, मेन वॉल बंद करना है, क्योंकि पूरा गैस बाहर आके जलेगा। आप जहाँ सिगड़ी पे कर रहे हो तो पाइप में गैस बच रहा है, उसका भी उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लीकेज हो सकता है। चेक ऑल एसेसरीज रेगुलरली, स्पेशली रबर ट्यूब। अभी रबर ट्यूब की जगह दूसरी अच्छी ट्यूब आ गई, उसको इस्तेमाल करना है, सुरक्षा ट्यूब। गेट चेक ऑल एसेसरीज लाइक रेगुलेटर, सिगड़ी, बर्नर, ओके, रबर ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ऑथराइज गैस मैकेनिक। गैस मैकेनिक से ही ये चेक करवाना है, भला वो चार्जेस लगाने दे, लेकिन असं म्हणतात की सोनारानेच कान टोचलेले बरे असतात, लोहार करायला गेला तर कानाचं काय होऊन बसेल, थोडं चार्जेस घेऊ दे त्याला, त्याचं पण पोट आहे, डिस्ट्रीब्युटरचं पण। ओके, नेक्स्ट, यूज ISI ट्रेडमार्क सुरक्षा LPG होज ओनली। आता हे मी काय कंपनी काढली नाही, नाही तर ॲडव्हर्टाईज करतो असं म्हणाल। सुरक्षा LPG होज रिकमेंडेड बाय भारत गॅस HP गॅस कंपनी। ओके, इट इज दिस सुरक्षा LPG होज क्लेम टू बी अ रॉडन प्रूफ, फ्लेम रेजिस्टन्स, लीक प्रूफ, एब्रेजन अँड वेदर रेजिस्टन्स। पहिला चुहा मामा काटते ते लीक होत होता, चुहा मामा काटणे का सवाल ही नाही, अंदरही मेटॅलिक तार रहता है, बाद में आप घिसोगे भी तो घिसेगा नहीं, हो लीकेज तो बिल्कुल होगा नहीं। ओके, इट हैज़ अ 5 ईयर प्रोडक्ट लाइफ गारंटी, 5 साल तक आप यूज़ कर सकते, भले 250-300 है लेकिन आप ऐसा वाला यूज करना चाहिए। इनकेस यू सस्पेक्ट LPG लीकेज, जब भी आपको लीकेज लगता है, पुट आउट ऑल ओपन फायर्स इन द रूम, जितना फायर चूल्हा पुल्हा है उतना बंद कर दो। डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टॉर्चेस कभी भी ऑपरेट करना नहीं है। हम लोग खत्म कर रहे हैं देखो, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट भी शुरू हो गया, 1 घंटा लेट हो गया तो आप क्या बार बार नहीं आने वाले, कुछ तकलीफ नहीं ना, अभी खत्म होने को आया, क्योंकि मुझे भी मजा नहीं आ रहा, मेरा तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जाना है मुझे, फिर भी मैं ये पूरा करने के लिए रुका हूँ, अभी ब्रेक लेके खाने का, इधर खत्म हो रहा है। ओके, सो डू नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल स्विचेस, टॉर्च एक्सेट्रा, मेक एडिक्वेट वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन करना है। ओके, जब भी आपको लीकेज होता है तभी दरवाजे खिड़कियाँ सब ओपन करना है।
क्लोज मेन वॉल एंड अप्लाई कैप कवर ऑन इट. मेन वॉल बंद करना है. इमीडिएटली कॉल योर डिस्ट्रीब्यूटर एंड फायर ब्रिगेड. थोड़ा भी गैस लीक हो तो आपको ये सब सावधानी बरतनी है और आपको फायर ब्रिगेड और गैस डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे पहले गैस डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाओ. फायर ब्रिगेड तो है आपके सेवा में. नेक्स्ट, इफ लीकेज इज नॉट स्टॉप्ड बाय प्लेसिंग सेफ्टी कैप देन फिल मेन वॉल विथ सॉफ्ट सोप. मैंने आपको ऑलरेडी बताया. इफ स्टिल लीकेज इज नॉट स्टॉप देन रिमूव सिलेंडर टू ओपन प्लेस आउटसाइड द बिल्डिंग. और कभी भी ऊपर लेके नहीं जाना है. वापस एक बार बताऊं, कभी भी गैस सिलेंडर नीचे लेके जाने का है, बिल्डिंग के नीचे. ऊपर लेके जाओगे, समझो टेरेस के ऊपर लेके जाओगे, तो पूरा बिल्डिंग खतरे में, क्योंकि लीकेज होके नीचे 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 फैलेगा. एक बार ऐसा हो गया इधर माउंट ब्लैक, उधर हमारे दो फायर ऑफिसर बर्न हो गए. तेजा पिक्चर के कौन है वो? नहीं, ये अपना डायरेक्टर क्या, प्रोड्यूसर, हाँ उधर रहते थे. उनका माले पे कुछ ऐसा ये हो गया. हाँ, गांधी. तो वो गैस लीक हो गया किधर, ऊपर बालकनी में थे, पैसेज में लीकेज गैस रखा था. और नीचे से हमारे फायर ऑफिसर ऊपर जा रहे थे, तो 22 माले से 16वें माले पे से जा रहे थे, क्योंकि लिफ्ट नहीं वापरना है. 16वें माले पे फ्लैश ओवर हो गया नीचे स्टेयरकेस में. इसीलिए मैं बोलता हूँ एलपीजी कितना घातक है, खतरनाक है. कभी भी लीक होगा तो नीचे लेके जाना है. इफ यू आर इनसाइड द एलपीजी लिफ्ट, अभी देखो मजा देखो. क्लोज रूम एंड एट द सेम टाइम यूर मोबाइल रिंग्स, देन यू एंड यूर अदर बिल्डिंग रेसिडेंट्स आर रियली अनलकी. डरना है, ये डर अच्छा लगता है. डरो, पक्का डरो. एलपीजी सिलेंडर के लिए डरना है आपको. हाँ, इसके एविडेंस नहीं है, लेकिन क्यों बोलते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर मोबाइल नहीं यूज करना है? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रहते हैं, उसके वजह से ये जो वेपर्स है पेट्रोल के, वो इग्नाइट होते हैं. तो इधर भी नहीं यूज करना है आपको. देन इफ यू आर इनसाइड द एलपीजी लिक क्लोज फ्लैट एंड यू ट्राई टू ऑपरेट योर हैंड, 5 रुपए का ट्रेन में मिलता है वो टॉर्च, यदि ऑपरेट कर रहे हो फिर भी मोबाइल भी रिंग हो रहा है तो, एंड यूर फेलो रेसिडेंट ऑफ द बिल्डिंग आर रियली अनलक्की. ध्यान में रखो. अच्छा, इसको कोई होशियार आदमी चैलेंज कर सकता है, लेकिन ये प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आप करना है. क्योंकि 1999 से बोलते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर मोबाइल वापरना नहीं, कारण वो ये इधर भी कारण है. ये आपको किसी किताब में नहीं लिखा पड़ेगा, मिलेगा, ध्यान में रखो, ये इधर ही मिलेगा आपको. मैं ही आपको ज्ञान दे रहा हूँ, ये गलत नहीं है. वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उससे प्रॉब्लम हो सकते है. सो इफ एलपीजी लीक्स एंड कैचेस फायर, अंगार लगती है तो आपको डरना नहीं है. डरना है लेकिन उतना नहीं डरना है. मेक एडिक्वेट वेंटिलेशन, क्लोज मेन वॉल एंड अप्लाई कैप. अंगार इधर उधर लगी है, कभी भी सिलेंडर बाहर हटाना है, कैप कवर लगा के बाहर लेना है. अप्लाई सॉफ्ट सोप ऑन द लीकेज पॉइंट, रिमूव सिलेंडर टू द ओपन प्लेस, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर और फायर ब्रिगेड. इफ फॉर एनी रीजन यू आर नाइदर एबल टू क्लोज द मेन वॉल ऑफ लीकिंग सिलेंडर नॉर रिमूव सिलेंडर टू ओपन प्लेस, कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, देन एक्सटिंग्विश ऑल नियर बाय फ्लेम्स, ओके, टू अवॉइड इंक्रीज ऑफ सिलेंडर टेम्परेचर एंड अप्लाई वाटर ऑन टू द सिलेंडर. कभी कभी ऐसा रिस्सा होता है, अंगार लग गई है तो आजू बाजू का अंगार बुझाओ आप, और सिलेंडर के ऊपर कंटिन्यूस पानी डालते रहना है फायर ब्रिगेड आते तक, क्योंकि उसका टेम्परेचर यदि बढ़ता है तो एक्सप्लोजन होने का चांसेस है. ओके, तो सिलेंडर ठंडा रखना है आपको. कितना भी आप पानी मारो, समझो पानी कंटिन्यूसली मार रहा है, तो कभी भी कुछ एक्सप्लोजन नहीं होगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं फटने तक. रिमेंबर लीकिंग एलपी गैस इज मोर डेंजरस देन एलपी गैस फायर. तो कभी भी लीकिंग गैस है वो सबसे डेंजरस है, खतरनाक है. एलपीजी फायर लगा है वो खतरनाक नहीं है, क्योंकि जो लीक हो गया वो जल गया है, लेकिन जो लीकेज होके जल नहीं रहा है वो इधर उधर भटक के स्टॉक हो रहा है. नो योर सिलेंडर, ओके, ये ऑलरेडी देखा है.
ये डोमेस्टिक का 14.2, कमर्शियल का आइदर 14.2 और 19.2, और इंडस्ट्रियल बुलेट रहता है वो 375 kg का रहता है। नेक्स्ट डूज एंड डोंट्स, डू नॉट रिपेंट, उसको कलर लगा नहीं है, घर का कलर चालू है, कलरिंग काम करना है, कलर, डू नॉट रिपेंट द LPG सिलेंडर, ओके, देन ऑलवेज कीप द सिलेंडर वर्टिकली अपवर्ड अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट सोर्स ऑफ हीट। कभी कभी सिलेंडर के बाजू में स्टोव चलता है अपना, वो बिल्कुल नहीं करना है, स्टोव रखना नहीं है। नेवर यूज LPG इंस्टॉलेशन इन बेसमेंट इस्टेब्लिशमेंट, इट इज़ नॉट परमिटेड, बेसमेंट में आपको यूज करना नहीं है। और पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, चौथा माला, पांचवा माला, ऊपर वाले माले पे तो बिल्कुल नहीं करना है। क्या कर रहे हैं मैंने आपको बताया है, हाँ, पाइपलाइन लेके किधर किधर हम लोगों ने दिया है, पहले माले तक, पहले दूसरा तीसरा तो बिल्कुल नहीं दिया है, जूना था वो स्टेप बाय स्टेप कम हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जितना लेके जाओगे उसका नीचे का एरिया खतरनाक हो जाएगा, डेंजर में जाएगा। नेवर टेक द लिक्विड LPG सिलेंडर टू द टेरेस बट इन द ओपन ग्राउंड में लेके जाना है आपको। चेंज ट्यूबिंग एटलीस्ट इन 2 ईयर्स पॉजिटिवली, अभी ये 5 साल का गारंटी देता है तो 5 साल के बाद यूज़ करो, ओके। देन नेवर कवर द LPG रबर सप्लाई ट्यूब विथ एनी अदर पाइप। किचन रूम वेयर द सिलेंडर इज टू बी स्टोर्ड यूज शुड बी हैव क्रॉस वेंटिलेशन, इधर आप यूज कर रहे हो तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। देन इफ इट इज प्लेस्ड इन द कैबिनेट देन कैबिनेट मस्ट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन, उसमें भी वेंटिलेशन होना चाहिए, परपोरेशन बोथ एट बॉटम एंड टॉप लेवल। और उसमें गैस लीक डिटेक्टर लगाने को बोले हैं हम लोगों ने, तो गैस लीक डिटेक्टर से क्या होगा, अभी आसान हो गया, अभी कुछ हादसे होने के चांसेस कम है, जैसे थोड़ा भी गैस लीक होता है तो तुरंत सायरन बजने लगता है, आपको मालूम पड़ता है गैस लीक हो गया, आप बंद कर सकते हैं। ऑलवेज कीप सिक्योरिटी कैप दैट इज प्लास्टिक कैप ऑन द फील्ड एम्प्टी सिलेंडर। अवॉइड यूजिंग पूजा लैम्प रेफ्रिजरेटर इन किचन। देखो किचन में हम लोग LPG सिलेंडर भी रहता है और रेफ्रिजरेटर रहता है, ये खतरनाक साबित हो सकता है यदि कभी LPG गैस लीक होता है तो, क्योंकि इधर कंटिन्यूसली पीछे स्पार्क होते रहता है। कभी भी LPG अपना जो रेफ्रिजरेटर है किचन में नहीं रखना है, अभी जगह की वजह से प्रॉब्लम है लेकिन उतनी सावधानी आपको बरतनी चाहिए LPG के बारे में। ऑलवेज प्लेस द स्टोव एट हायर लेवल, हो गया है, हाई रेज में आपको, व्हाट इज हाई रेज बिल्डिंग, आपको मालूम है हाई रेज बिल्डिंग कितने माले की होती है, मुंबई में, बंबई में कितने माले की हाई रेज होती है, ज़्यादातर ज़्यादा कम से कम, नहीं 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 कहाँ से शुरू होते, कौन से माले से हाई रेज शुरू होते। सो नाउ इट हैज बीन चेंज, इट इज 32 फ्लोर्स, अर्लियर इट वॉज 24 मीटर्स, नाउ इट हैज बीन 32 मीटर्स। 32 मीटर्स के नीचे लो राइज, 32 और उसके ऊपर हाई राइज, ओके। हाई राइज बिल्डिंग हैविंग हाइट 32 मीटर्स एंड अबव इज हाई राइज इन मुंबई है, एज पर NBC नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया इट इज 15 मीटर हाई राइट, बट इन मुंबई एज वी हैव दैट मच लैडर्स, ओके, HP हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म 90 मीटर्स, दैट इज वाई वी हैव दिस कॉन्सेप्ट 32 मीटर्स। देन लो राइज बिल्डिंग उसके नीचे 32 माले के नीचे, नो योर हाई रेज बिल्डिंग, आपको यह मालूम होना चाहिए कि कहाँ स्टेयर केसेस है आपके बिल्डिंग के, फायर एग्जिट किधर है आपके, मैनुअल कॉल पॉइंट्स जो लाल दिखते हैं, ब्रेक इन केस ऑफ फायर लिखा होता है उधर, आप ब्रेक करके उसको ये करोगे तो मालूम पड़ेगा नीचे में पैनल बोर्ड के ऊपर कि ये माले पे हंगर लगा है, ओके। देन लोकेशन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर्स किधर है मालूम होना चाहिए, होज रील किधर है, जो स्टेयरकेस में आप चल के जाते हैं तो पाइप दिखते हैं, देखो वो होज रील होजेस किधर है, रिफ्यूज एरिया किधर है, हर 8 माले के बाद रिफ्यूज एरिया रहता है, ओके। लोकेशन ऑफ द ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम जो भी है, स्प्रिंकलर रेंचर, ये इसको स्प्रिंकलर बोलते हैं, ओके। फायर कॉल पॉइंट देखो ऐसा रहता है नीचे, देन नो योर इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान, सर नमस्ते, 5 मिनट सो नो योर इमरजेंसी इवैक्यूएशन।
तो हर बिल्डिंग में, हर एज बिल्डिंग में, हर 6-6 महीने में इवैक्यूएशन करना है, क्योंकि जो लास्ट टाइम हमारे साहब ने बताया कि जो वर्ल्ड ट्रावर सेंटर था, ट्विन टावर्स, वहाँ जो अटैक हो गया, वहाँ बहुत से लोग ये इवैक्यूएशन के प्रैक्टिस की वजह से ही बहुत से लोग बच गए। हाँ, बाद में फायर ब्रिगेड वाले बहुत से गए, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ से बाहर आ गए, क्योंकि वो यूज टू हो गए थे। हर 6-6 महीने में लेने के बाद क्या होता है, वो यूज टू, और कैसा बाहर जाना है, क्या करना है मालूम पड़ता है। ओके, लोकेशन ऑफ द असेंबली पॉइंट किधर है, रोल कॉल के लिए आपको खड़ा रहना है उधर, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बिल्डिंग में कुछ होता है तो किसको बताना है, क्या करना है, रिपोर्ट कैसा करना है। डू नॉट री एंटर द बिल्डिंग फॉर एनी रीजन, मैंने पहले ही बताया है, पहलेच मी सांगितलेलं आहे, परत काय तरी राहिलं म्हणून गेलात की परत येणारच नाही इकडं। नंतर अँड इफ युअर सिस्टम माल फंक्शन्स, आपका बिल्डिंग का सिस्टम यदि नाही चल रहा आहे तो हम है ना, वी आर रेडी। ओके, गोइंग आउट फॉर ए पार्टी, रिमेंबर पगली या पगला। अभी छुट्टी चालू हो गई बच्चे लोगों की, बहुत लोगों की कामना है कि गांव जाए, कुछ आम पम खाए, कटल खाए। ओके, तो घर से बाहर जाते समय आप सामने वाला या सामने वाली को एक स्माइल देके पगली या पागल बोलना है और बाहर जाना है। ये पगली पागल क्या है, पा आपने पानी बंद किया क्या घर का, क्योंकि पानी यदि लीक हो गया, ये दीवार में चला गया तो पूरा बिल्डिंग में शॉक मारेगा। गा, क्या गैस बंद किया आपने, यदि गैस लीक हो जाएगा तो क्या होगा, ली लाइट, क्या लाइट आपने बंद किया। इसीलिए भले कोई नहीं सामने वाले या सामने वाला स्माइल दे, अपने आप से बोलो पागल, हंसो और बाहर पढ़ो। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट वन, व्हाट इज योर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी खाना खाने के लिए जाना है सबको, इंक्लूडिंग मी, तो ये लास्ट स्लाइड है, आप सब उठ के बैठेंगे। रिपोर्ट टू द इमरजेंसी साइट्स एंड नोटिफाई मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम। कभी भी कुछ हादसा होता है आपके एरिया में, इलाके में, तो इमरजेंसी साइट पे जाना है और वहाँ से फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। आज के बाद आप फायर ब्रिगेड में आ गए, फायर वॉलंटियर हो गए। देन तुम्हारा जो आईडी कार्ड है, आपको जो दिया हुआ है, वो आईडी कार्ड उधर डालना है, नहीं तो कोई भी बड़ा साहब आएगा, फायर ब्रिगेड का नहीं, कोई भी है, क्या कर रहा है इधर, हटकेगा आपको बाजू में, तो आपको आईडी कार्ड डालना है। वेयर योर आईडी कार्ड एंड कैप एंड इन्फॉर्म इनमेट्स अबाउट योर आइडेंटिटी। फायर ब्रिगेड आने तक आप बोलते ना, अरे बाबा मैं फायर वॉलंटियर हूँ, आप ऐसा करो वैसा करो, आपको कोई प्रति प्रश्न नहीं करेगा। नेक्स्ट, क्विकली असेस द सिचुएशन एंड इन्फॉर्म मुंबई फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम। आप देख रहे हो उधर खड़े हैं, लोगों को बाहर निकालना है, हो गया निकलना है, तो आपको देखना है क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या जरूरत है, आपको बताना है। तो आपने सब मेरे नंबर नोटिफाई किए होंगे शायद। नेक्स्ट, ओपन सोसाइटी मेन गेट फॉर फायर इंजन। अभी आपको बिल्डिंग के आजू बाजू में मुंबई में बहुत से पार्किंग चलता है, वो पार्किंग हटा दो। मैं मेरा एरिया में देखा, बी वार्ड, सी वार्ड, मैं मानता हूँ, ये कम्युनिटी को मानता हूँ, जब भी कुछ हादसा होता है पूरा सब बाहर जाएगा, कोई भी ये अपना बाइक या कोई कार नहीं मिलेगा, पूरा ओपन मिलता है, डायरेक्ट हम लोग अंदर घुसते हैं। नॉर्मल केस में मेरा बाइक भी नहीं जाता है, लेकिन अंगर बजे की तो बड़ा गाड़ी भी जाता है, तो ऐसी एटीट्यूड होनी चाहिए। ओके, ओपन सोसाइटी मेन गेट फॉर फायर इंजन, असिस्ट इनमेट्स फॉर क्विक इवैक्यूएशन फॉर द बिल्डिंग। आपको क्या करना है, जान माल की देखना है, लेकिन सबसे पहला जान बचाना है, लोगों को हटाना है। क्लियर पाथवे फॉर द फायर इंजन टू रीच नियर द इमरजेंसी साइट, इन्फॉर्म फर्स्ट अराइविंग ऑफिसर एंड एक्ट एज पर हिज इंस्ट्रक्शन। समझो हम लोग उधर जाते हैं, आपको हमें रिपोर्ट करना है, साहब ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा किया, अभी उधर ऐसा है वैसा है। ओके, वी सर्व टू सेव। ओके, विथ त्यागम शौर्यम आत्मसंयमनम। थैंक यू। और एक 2 मिनट का वीडियो है, खाली वो 2 मिनट का वीडियो देखो, 2 मिनट का। जो आपको अच्छा लगेगा वीडियो।
ब्रिगेडच्या गाड्यांच्या घंटा घणघणायला लागल्या की सहृदय विचारी मनाला चिंता वाटायला लागली. काळजात घडकी भरते, कुठे आग लागली असेल की इमारत कोसळली असेल, किती जणांच्या प्राणांची आहुती त्यात पडेल. आगीत सापडलेल्या आणि होरपळणाऱ्या प्रियजनांसाठी त्यांच्या कुटुंबातले सदस्य सुद्धा बहुतेक वेळेला त्यांना आगीतून सोडवण्यासाठी कचरतात. पण आपल्या अग्निशमन दलाचे जवान अधिकारी अत्यंत निधड्या छातीनं स्वतःच्या प्राणांचीही पर्वा न करता आगीत अपघातात सापडलेल्यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करतात. रक्ताचं नातं नसताना सुद्धा अनोळखी अपरिचित लोकांसाठी, वृद्धांसाठी, बालकांसाठी, अगदी पशुपक्ष्यांसाठी सुद्धा प्रयत्नांची शिकस्त करतात. सगळ्यांच्या जीवरक्षणाचा वसा घेतलेल्या अग्निशमन दलाचं प्रीद वाक्य म्हणजे शौर्यम आत्मसंयमनम त्यागः असं आहे. सात अधिकारी सशस्त्र जवान परेड पर परेड तयार है श्रीमान. एप्रिल 1944 साली SS फोर्ट स्टिकिन या मुंबईच्या गोदीतल्या बोटीमध्ये फार मोठा स्फोट झाला. त्या बोटीवर प्रचंड विध्वंसक शक्तीची स्फोटक, कापूस, सोन्याच्या विटा आणि खनिज तेल यांचा प्रचंड साठा होता. त्या बोटीवर लागलेल्या आगीत आपल्या अग्निशमन दलाचे 66 जवान आणि अधिकारी एकाच वेळेला मृत्युमुखी पडले. या नरवीरांना श्रद्धांजली देण्यासाठी आपल्या भारत सरकारनं 14 एप्रिल हा दिवस अग्निशमन सेवा दिन म्हणून घोषित केलेला आहे. तेव्हापासून पराक्रमाची आणि बलिदानाची ही श्रृंखला आज त्या गायत चालूच आहे. देवीच्या प्रलयंकारी आगीची घटना आपल्या मनात अजून ताजी आहे. या अग्नितांडवात अग्निशमन दलाचे 4 ज्येष्ठ अधिकारी हुतात्मा झाले. आजपर्यंतच्या या सगळ्या वीरात्म्यांच्या प्रती आपली कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठीचा आजचा हा दिवस. हे अग्निदेवा, मला माहिती आहे समोर तांडव करणाऱ्या या तुझ्या जीवाला आज कदाचित माझी आहुती मागतील. अजून बरीच कामं माझी शिल्लक आहेत आयुष्यात, तरीही या तुझ्या ज्वाला मला स्वाहा करू शकते. आई वडिलांना गावचं घर साकारून द्यायचं आहे, मुलांचं शिक्षण करायचं आहे, मुलींची लग्न सुद्धा, बायकोला आता तरी स्थैर्य द्यायचं आहे. पण मला आत्ता ऐकू येत आहेत ते तुझ्या या ज्वालात सापडलेल्यांच्या आर्त किंकाळ्या. कुणाचा तरी बाबा, कुणाची तरी लेकर प्रत्यक्ष मृत्यू समोर पाहून घाबरून जीवनाकरता त्यांनी केलेला आकांत ऐकू येतोय. आणि म्हणूनच माझा हा झेंडा झुकून चालणार नाही, मला तर थांबून चालणार नाही. जीवरक्षणाचा वसा हा माझा असा मध्येच सोडून चालणार नाही. हे अग्निदेवा, हा आलोय मी तुमच्या भेटीला.
तर निष्पाप जीवाला सोडा अग्निदेवा, तुमचा हट्टच असेल तर मी आहे ना तुम्हाला शांत करायला. हे अग्निदेवा, माझी खात्री आहे, अरे माझी आहुती पडली तरी माझी पत्नी रडणार नाही, निदान मुलांसमोर तरी आसवती ढाळणार नाही. तुमचा बाबा शहीद झाला याहून अधिक ती बोलणार नाही, माझ्या मुलांनाही अग्निशमन दलात जाण्यापासून रोखणार नाही, त्यांची माता माझी पत्नी मुळीच कधी रडणार नाही. युयोध्य स्मज्जु पुरोन्मेनो